चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। कोरोना से चीन में अब तक 425 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20,000 से ज्यादा केस की पुष्टि हो चुकी है। दुनिया भर में फैलते कोरोना वायरस को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पहले ही इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर चुका है। कई देशों ने चीन के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं, जबकि कई देश चीन में फंसे अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट कराकर निकाल रहे हैं। कोरोना का कहर चीन में थमने का नाम नहीं ले रहा। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक वहां की सरकार ने अब तक 425 लोगों की मौत की पुष्टि की है। इस बीच कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए चीन ने 10 दिनों के अंदर 1000 बेड वाला अस्पताल बनाकर तैयार कर लिया, जबकि 1500 बेड वाला दूसरा अस्पताल जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। कोरोना से चीन में अब तक 425 लोगों की मौत हो चुकी है। यह संख्या 2003-2004 में बीजिंग में SARS वायरस से हुई मौतों की संख्या से ज्यादा है। चीन के हुबेई प्रांत का वुहान शहर कोरोना का केंद्र बना हुआ है। हुबेई प्रांत में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। चीन के लिए अभिशाप बन चुकी कोरोना की महामारी के बीच भारत सरकार वहां फंसे अपने नागरिकों को वापस ला रही है। शनिवार को एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट चीन से 324 भारतीयों को लेकर नई दिल्ली पहुंची थी। रविवार की सुबह भी एयर इंडिया का एक और विमान भारतीयों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा। चीन के वुहान शहर से उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के इस विमान से 323 भारतीय स्वदेश लौटे हैं। समाचार एजेंसी PTI ने डॉक्टरों के हवाले से बताया है कि चीन से आए लोगों में से 5 लोगों को सर्दी और खांसी के लक्षण दिखे हैं। ऐसे में उन 5 लोगों को दिल्ली के सैन्य अस्पताल में भेज दिया गया है। वहीं केरल के कासरगोड में कोरोना वायरस का तीसरा मामला पाया गया। मरीज को उपचार के लिए कासरगोड के कंजांगर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है। यह मरीज हाल ही में चीन के वुहान से लौटा था। दूसरी ओर फिल्म इंडस्ट्री की कंट्रोवर्सी क्वीन के नाम से मशहूर राखी सावंत अपनी एक्टिविटीज की वजह से हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। पिछले कुछ समय से चीन में कोरोना वायरस लोगों के लिए आफत बना हुआ है, मगर राखी सावंत को इसका कोई भय नहीं है। राखी चीन पहुंच गई हैं और उन्होंने इस बात का दावा कर डाला है कि मैं कोरोना वायरस को खत्म करके ही दम लेंगी। दोस्तों आउट, मैं अभी फ्लाइट में हूँ, मैं जा रही हूँ चाइना। ये वायरस है ना, कोरोना वायरस, इसे मारने के और मेरे साथ बहुत सारे स्पाई हैं मेरे, देखो कितने सारे। हेलो हेलो, let's go to China and kill the virus, okay? Yes, see, मैं चाइना जा रही हूँ, सारे वायरस को ख़त्म कर दिया हूँ, अब कोई बीमार नहीं होगा, नो मोर वायरस, ओके। ओ माय गॉड, लुक, कैन आई सी, अरे इन्होंने तो मास्क लगा के अभी से फ्लाइट में बैठ गए हैं, ओ माय गॉड। हाँ, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू चाइना। हाँ मोदी जी, मैं जा रही हूँ चाइना सारे वायरस को ख़त्म करने के, प्रे फॉर अस। राखी ने फ्लाइट से ये वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कोरोना वायरस का जिक्र करती नजर आ रही हैं। राखी यहीं तक नहीं रुकी और उन्होंने ये तक कह दिया कि उन्होंने अमेरिका के NASA से इस वायरस को खत्म करने के लिए दवाई मंगाई है। दोस्तों, मैंने NASA से ऐसी दवाई मंगाई है, NASA से स्पेशल, एकदम देखो आप सांस लेते रहिए, उसी फ्लाइट में आप सांस ले सकते हैं। चाइना में जाते हम लोग सांस नहीं लेंगे, बिकॉज हम लोग सॉरी ना, ओके देखो ये देखो मुझे रोकने आई है, बट मैं रोक रही हूँ, ठीक है, ओके बाय गाइस, मैं जा रही हूँ, मुझे रोकने आई है, हम NASA से ऐसी दवाई लेके जा रही हूँ मैं चाइना में। इस विमान में 8 आपातकालीन निकास है। विमान के पिछले भाग में दो द्वार, बताओ द्वार विमान के आगे के भाग में है और मुख्य। राखी का ये वीडियो लोगों को काफी फनी लग रहा है। दोस्तों चाइना पहुंच चुकी हूं मैं, ये कोरोना वायरस को निकाल के आज मैं करके ही रहूंगी, कोरोना वायरस आज मैं निकाल के ही रहूंगी। चाइना पहुंच चुकी हूं मैं दोस्तों, ये देखो ये चाइनीज कैप में मैं बिल्कुल चाइनीज लग रही हूं। चीनी मिनी चाऊ चाऊ, वायरस को खाऊं खाऊं, चीनी मिनी चाऊ चाऊ।